ईवीएम की बजाय मतपत्रों से मतदान कराने की मांग पर विपक्ष को एकजुट करने की समाजवादी पार्टी की पहल के तहत आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। वहीं सपा की मांग है कि भविष्य में सभी चुनाव ईवीएम की बजाय मतपत्रों से कराए जाएं। इस पर विपक्ष को एकजुट करने के लिए पार्टी ने पिछले महीने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आमंत्रित किया था। ये बैठक आज जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट कार्यालय में होगी। अखिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? लगातार विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में आते परिणाम और विपक्षी दलों के घटते सीटों के संख्या को लेकर लगातार विपक्ष के आरोप लगाता रहा है कि जो भी चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईवीएम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, चुनाव परिणाम अपने पक्ष में किए जाते हैं। जैसा कि लगातार विपक्षी दल आरोप लगाते थे, उसी आरोप को अब असली जामा पहनाने के लिए विपक्षी दल एक मंच पर एकत्रित होने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के तरफ समाजवादी कार्यालय के पीछे स्थित जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में आज ये बैठक रखी गई है। इस बैठक अखिलेश यादव के आह्वान पर रखी गई। इसमें विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हो रहे हैं तो वो एक मंच पर तय करेंगे कि अब ईवीएम के विरोध में विपक्षी दलों को एक साथ कैसे खड़े होना है, किन मुद्दों पर खड़ा होना है, किन मांगों को लेकर निर्वाचन आयोग तक जाना है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग से क्या दलील उन लोगों को अपनी पेश करनी है कि निर्वाचन आयोग उस तरह के कदम उठाए ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव के अंदर ईवीएम का गलत इस्तेमाल ना हो सके और किसी भी राजनीतिक दल को इसका फायदा ना मिल पाए। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर कोई ऐसी राय तय होगी और सामने आएगी जो ईवीएम के विरोध में और चुनाव परिणाम को निष्पक्ष तरह से कराने और परिणामों को सही तरीके से जनता के सामने लाने के लिए कोई कदम निर्वाचन आयोग के द्वारा उठाया जाए, ऐसी मांग की जा सकती है इस बैठक के बाद। अखिलेश, पूरा विपक्ष जो है वो खिलाफ हो गया है ईवीएम के, तो सरकार के सामने कितनी बड़ी परेशानी सामने आ सकती है? आपको बता दें कि विपक्षी दल अभी अपने स्तर से लगातार ईवीएम की गड़बड़ी और ईवीएम के गलत इस्तेमाल की बात करते रहे थे, लेकिन सभी अपने अपने मंचों से बात करते थे, इसलिए सरकार पर या फिर निर्वाचन आयोग पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं बन पाता था। ये पहला ऐसा मौका होगा कि जबकि अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आ रहे हैं और वो एक सुर में एक बात बोलेंगे कि ईवीएम का गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ईवीएम के द्वारा चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा रहा है। अगर ये बात एक मंच से पूरा विपक्ष उठाने को तैयार हो जाता है और विपक्ष पूरी तरह से अपनी मांग को रखता है तो ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस पर दबाव में जरूर आएगी और निर्वाचन आयोग को कोई न कोई फैसला लेने पर जरूर विवश होना पड़ेगा कि अब ईवीएम का इस्तेमाल हो या बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हालांकि विपक्षी दल लगातार अभी मांग कर रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। तो उसकी जा रही है कि विपक्षी दलों के एक सुर होने के बाद निर्वाचन आयोग पर दबाव जरूर बढ़ेगा। सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ बने रहने के लिए।